हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूं आपसे कि अगस्त के महीने में आपके एडेनियम पर अगर फूल नहीं आ रहे हैं, इस तरह से फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो कौन से ऐसे ज़रूरी काम हैं जो हमको करने चाहिए अपने एडेनियम के पौधे पर। कौन सी ऐसी खाद देनी चाहिए जिससे आने वाले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके प्लांट पर भर भर कर फ्लावर्स आए और पूरा पौधा कलियों से इस तरह से भर जाए। तो फ्रेंड, एडेनियम को हम सभी डेजर्ट रोज के नाम से जानते हैं और ये समर का बहुत बढ़िया ग्रोइंग प्लांट है। एडेनियम में गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, बिल्कुल आसानी से लगने वाला पौधा है। देखिए, अभी मैंने आपको 28 जुलाई को एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कटिंग से बहुत सारे पौधे लगाए थे, एक वीडियो में दिखाया भी था। ये कटिंग से ग्रो प्लांट हैं और सारे के सारे सक्सेस हैं। आप देखिए, इसमें आज पहली बार फ्लावरिंग भी हुई है और ये भी कटिंग से ही लगा पौधा है। साथियों, देखिए, आपको पता चल रहा होगा क्योंकि इसका कॉडेक्स एकदम पतला है और उस पर भी ढेरों कलियां आ चुकी हैं। तो साथियों, बरसात में कुछ स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है इस प्लांट की, वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगी। देखिए, मेरे सारे के सारे पौधों में फ्लावर्स और कलियां एकदम से भर भरा के आ चुकी हैं। ये देखिए, कलियां देखिए और फ्लावर्स देखिए, एकदम डेजर्ट रोज नाम है लेकिन किसी गुलाब से कम नहीं है। सारे पौधों में कलियां आ चुकी हैं और फ्लावरिंग, कलियां देखिए कितनी हैवी मात्रा में कलियां आ चुकी हैं और फ्लावर्स भी स्टार्ट हो गए हैं आना। तो दोस्तों, 28 जुलाई को मैंने ये कटिंग लगाई थी। जब भी आप अपने एडेनियम को लगाएं तो हमेशा ध्यान रखें सैलो पॉट में ही लगाएं, क्योंकि कभी भी गहरे पॉट में आपको नहीं लगाना चाहिए। पॉट की गहराई कम हो, चौड़ाई ज़्यादा हो तो पौधा बहुत अच्छे से चलता है। कई लोग गलती ये कर देते हैं कि पौधा छोटा गमला बड़ा ले लेते हैं। इससे ये होता है कि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो दूसरा काम, पहला हो गया आप पॉट का साइज अच्छे से चुनाव करिए। दूसरा काम आप ये करिए कि एडेनियम को बहुत अच्छी धूप चाहिए होती है इस टाइम पे, बारिश के समय में भी। तो आप एक काम ज़रूर करें जो बताती हूँ मैं आपको। प्लांट अगर आपका काफ़ी घना हो जाए, मैं तो कर चुकी हूँ, देखिए यहीं से सारी पत्तियाँ मैंने काट रखी हैं। जब इस तरह से हैवी मात्रा में पत्तियाँ आ जाएं साथियों, तो इनको नीचे से थोड़ी थोड़ी पत्तियों को आप इस तरह से काट दीजिए। ध्यान रहे, स्टंप से लगाकर आपको पत्तियों को नहीं काटना है, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी मिट्टी पर हवा, धूप सब कुछ लग पाएगी। तो नीचे से जो बहुत का घना हो जाए पौधा, उनकी पत्तियों को आप काट दीजिए। ध्यान रखिए, जिस समय बारिश हो उस समय आपको पत्तियों को नहीं काटना है। आपकी ब्रांच है, ध्यान रखिएगा कि ब्रांच पर कहीं से भी कट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर आपकी छोटी सी ब्रांच पर भी अगर कट लग गया, बारिश में गमला रखा हुआ है, तो वहीं से फंगस भी लग सकता है और पौधा ख़राब हो सकता है। मेरे प्लांट में देख रहे हैं आप, बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो चुकी है और इसमें मिट्टी में धूप नहीं लग पा रही थी, तो मैंने पत्तियों को काट दिया। जितनी अच्छी सनलाइट आप दोगे, मिट्टी को जितनी अच्छी धूप लगेगी, उतनी ही अच्छी ये प्लांट ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। तो जिस तरह से मैंने पत्तियां कट कर दी हैं, आप भी काट लीजिए। अब दूसरा काम आप ये करेंगे कि वाटरिंग, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है साथियों, देखिए बारिश बराबर हो रही है,
पानी आप मिट्टी में पूरी तरह से सूखने के बाद ही दीजिएगा। इस तरह से जब आपकी मिट्टी एकदम ड्राई हो देख लीजिए तभी आप पानी दीजिएगा। गीली मिट्टी में ये पौधा देखिए मेरा कितना अच्छा ग्रोथ भी कर रहा है साथियों, और इसकी फ्लावरिंग आप देखिए, ये भी कटिंग से ग्रो प्लांट है और इस पर फ्लावर देखिए डेजर्ट रोज है, रोज से कम नहीं है। तो जब इस तरह से मिट्टी आपको सूखी दिखाई दे तब पानी दीजिए, नहीं तो अंदर से इसकी जड़ें जो हैं फंगस लग जाती हैं और ऊपर से पौधा सही रहता है नीचे से सड़ना शुरू कर देता है, फिर ऊपर से धीरे धीरे ऊपर तक भी खराब हो जाता है। जब पकड़ में आएगा आपके कि हाँ खराब हो रहा है तब तक ऊपर की ब्रांच भी सड़ चुकी होगी। तो इस बात का आपको ध्यान खास से तौर पर रखना है कि जब पानी की ज़रूरत हो तभी दें, ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। अब तीसरा काम आप ये करेंगे कि गमले के ऊपर जो सड़ी गली पत्तियां हों, सूखे फूल हों, उनको आप हटाते चलिए। इस तरह से सूखे फूल पत्तियां जो आपके स्टंप पर लग गई हों उनको भी इस तरह से देखिए, सूखी पत्ती चपकी है, अगर ये हमारी पत्तियों पर चपकी होंगी स्टंप में फंगस लगना तय है। तो इस तरह से आप सूखी पत्तियों को हटाते चलिए। अब ये पत्तियां बारिश में सड़ने लगेंगी तो फिर फंगस लग जाएगा। एक काम और आप करिए, जब भी सॉइल मीडिया बना रहे हों, आप जब भी इसकी सॉइल मीडिया बना रहे हों उसमें सैंड या रेत जरूर से ज़रूर मिलाएं। इससे होता क्या है, पौधे में पानी बिल्कुल स्टे नहीं करता है। देखिए ये मेरी सैंडी सॉइल है, बारिश हो भी रही है तो भी इसमें पानी नहीं टिकता है। इस तरह से सैंडी सॉइल आप बनाइए। तो फ्रेंड जब इस समय पर कलियां बन रही हैं तो आप जब इस तरह से कलियां बनने लगें तो आपको कुछ ना कुछ जो मैं बताने जा रही हूँ वो फर्टिलाइज़र दीजिए, जिससे सारी की सारी कलियाँ एक साथ खिल जाएं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि गमले की मिट्टी को बरसात में कई बार काई जैसी लग जाती है, आप ध्यान से समझिएगा, कई बार इसमें काई लग जाती है। तो हमको इसकी काई को हल्के हाथों से गुड़ाई करके किसी स्पून की सहायता से काई को साफ़ करते रहना है, क्योंकि ये भी एक तरह का फंगस ही होता है। अगर ये गमले में लगा रह गया आपके साथियों तो धीरे धीरे पूरे गमले को कवर कर लेगा और बाद में कोडेस को भी ख़राब कर देगा, पौधे का कोडेस भी फंगस के शिकार हो जाएगा। तो अडेनियम की मिट्टी सूखी होनी चाहिए, इस तरह से भले ही मिट्टी में मॉइस्चर हो गीली नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको एक खाद देना बताऊंगी, ये खाद अगर आप अपने अडेनियम में देंगे साथियों तो आपके अडेनियम में डेफिनेटली 10 दिनों के अंदर ही अंदर फ्लावर्स आने, कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। गमले के किनारे किनारे हल्की सी गुड़ाई कर लें, कोई ज़रूरत नहीं औजार की, देखिए हल्के हाथों से भी आपकी गुड़ाई हो जा रही है। अभी मैंने इसकी कटिंग लगाई तो कोई भी खाद नहीं दी थी, ध्यान रहे कट नहीं लगना चाहिए, अगर जड़ें कट गईं तो फंगस लग जाएगा। जब आप भुरभुरी मिट्टी देखें इस तरह से तो आप ये है DAP के कुछ दाने, ये हैवी फीडर प्लांट है, जब इसकी फ्लावरिंग टाइम हो तो फास्फोरस और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र आपको ज़रूर से ज़रूर देना है। इस टाइम पर नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है, जैसे गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, ये आप ना डालें, क्योंकि बारिश के पानी में पौधे में नाइट्रोजन की ज़रूरत तो खुद ब खुद पूरी हो जाती है। तो अभी आप फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र DAP है, ये देखिए डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसकी बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस होता है। दो बेनिफिट होते हैं इसके, पहला यदि आप पौधे पर कलियां नहीं बन रही हैं तो कलियां बनने लगेंगी, जो बन रही हैं बिना खिले ही गिर जा रही हैं तो प्रॉब्लम भी आपकी ये DAP दूर करेगा। तो क्रोडेस की इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग हो जाएगी। मैंने 5-6 दाने लिए हैं गिन के, ये देखिए, और इसकी मिट्टी में किनारे किनारे ऐसे दबा दीजिए।
अपने एडेनियम में, और ऊपर से वही मिट्टी दो दाने बच गए हैं फिर डाल देती हूँ, डबा दीजिए। वैसे तो ये होममेड खाद मैं बहुत बार बताती हूँ, लेकिन बारिश के समय में साथियों छिलके की खाद देना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जब छिलके वगैरह सड़ते हैं तो फंगस बहुत जल्दी क्रिएट करते हैं। अगर आपके पास DAP नहीं है तो आप उसकी जगह पर बोन मील भी डाल सकते हो। तो आप महीने में एक चम्मच बोन मील डेढ़ दो महीने में एक बार डाल दीजिए। स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है बोन मील, धीरे धीरे आपके प्लांट को पौष्टिक भोजन देता रहेगा। अगर आपके पौधे पर कलियां और फूल नहीं बन रहे हैं साथियों, तो आप पोटैश का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हल्की बूंदें गिरने लगी हैं, ये पोटैश है। आपको इसको डालने के बाद पक्का है, श्योर है कि आप में फूल तो आना तय है। इस तरह से खूब अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग होने लगेगी। देखिए ये कटिंग से लगा पौधा है, ये इतना भारी हो चुका है फ्लावर की वजह से, लटक गया झूल गया। तो देखिए मैंने एक लकड़ी का सहारा दिया, अब ये फ्लावर एकदम खड़ा है। तो आप थोड़ा सा एक गिलास पानी ले लीजिए, अगर फूल नहीं आ रहे हैं उसमें आधी चम्मच से भी कम दो चुटकी पोटाश डाल लीजिए। और पोटाश डालने के बाद साथियों तीसरी खाद आपको डालनी है फंजीसाइड। बारिश के समय में प्रोटेक्शन के तौर पर फंजीसाइड ज़रूर ऐड करें। इस तरह से आप पोटाश और फंजीसाइड को मिक्स कर घोल लीजिए। मैं भी घोल रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो पोटाश और फंगीसाइड का घोल डालें, जब डालें जब इसकी मिट्टी देखिए एकदम इस तरह से ड्राई हो। गीली मिट्टी में आपको नहीं डालना है, वरना बारिश के टाइम में इस तरह से आप डाल दीजिए। और फूलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी, फूलों का साइज भी बहुत बड़ा होगा। फूल नहीं आ रहे हैं तो फूल भी आने लगेंगे। आज के वीडियो में साथियों इतना ही। अगली जानकारी के लिए देखते रहिए लखनवी गार्डनर चैनल, और अगर पहली बार हमसे जुड़े हैं साथियों तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली एडेनियम की सारी जानकारी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए गुलाब से भी बढ़िया फूल है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद।